hello students uh, here about the hcf and lcm have a look here now hcm actually if you see there are two methods to find the hcf of the given number that is prime factorization and the next one is dividing by common factor let's start with the first one if the question will ask like find the hcf by prime factorization i've written in short way pf that is a prime factorization so how you are going to do? Here the number is okay, 64 and 72. Now what you are going to do here? As through the prime factorization, you are going to use whenever if they ask you to solve the question, find the HCF through prime factorization, you are going to use these lines. Okay, vertical and horizontal. In this way, we are going to solve. Now let's take this at 64 here. हाउ ऑलरेडी वी हैव डन इंग द्लास रूम बट वी विल डू इट अगेन आई एम गोइंग टू हैव टू ओके वाई बिकॉज सी द लास्ट डिजिट हमारा जो लास्ट डिजिट है वो फोर है तो ऑबियसली वो इजिली डिवाइड होगा टू से तो हमने क्या किया टू लिया है टू थ्री ज़ा सिक्स टू टू जो फोर फाइन देन टू फिर से लिया मैंने यहाँ पर बिकॉज आई गेन थर्टी टू मैं टू से डिवाइड करूँगी टू रिटर्न ईयर टू वन जॉ टू टू सिक्स ज टूल जिनको भी डायरेक्टली यहाँ पर डिवाइड करने नहीं आता है आप क्या कीजिए आप यहाँ पर जो नंबर से डिवाइड करके यू कैन इजिली गेट द आंसर देखिए यहाँ पर ठीक है आप यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं सपोज नाउ सिक्सटी फोर मुझे डायरेक्टली नहीं आता इट्स वेरी इजी दिस वन यहाँ पे कोई कैंसिलेशन नहीं है टू के टेबल में सिक्स थ्री जाता है और फोर टू जा जाता जा 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 है सो थर्टी टू अब टू से डिवाइड करूंगी थर्टी टू को सो आई कैन इजली डू अगर वहाँ पर नहीं होता है आपसे आप डिवाइड कीजिए टू वन ज टू थ्री माइनस टू वन तो ये हो गया ट्वेल्व टू कम्स डाउन बिकम्स ट्वेल्व टू सिक्स या ट्वेल्व एंड ये द रिमाइंडर इज़ ज़ीरो एंड द क्वेश्चन इज सिक्सटीन तो जब मैं थर्टी टू को टू से डिवाइड करूँगी मुझे आंसर क्या मिलेगा सिक्सटीन से जाएगा थर्टी टू बाई टू ठीक है अब टू के टेबल में सिक्सटीन जाता है विद एट सो टू एट जिक्सटीन अगेन टू फोर ज़ा एट टू टू ज़ा फोर एंड टू वन जा टू इन दिस वे हम ये प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे लेट्स टू द सेवेंटी टू ऑल्सो अन नंबर थ्रू द प्राइम फैक्टराइजेशन अगेन में यहाँ पर लास्ट का डिजिट टू है तो इजिली डिवाइड होगा हम क्या टू नंबर लेंगे सो टू लिखेंगे यहाँ पर टू थ्री ज़ा सिक्स एज वेट फर्स्ट वी विल डू दिस टू थ्री ज़ा सिक्स ओके सेवन माइनस सिक्स देन वन रिमेन सो वन यू जो वन और टू इट बिकम्स ट्वेल्व सो टू के ट्वेल्व टू सिक्स जै ट्वेल्व मैंने जैसे कहा है डायरेक्टली अगर वहाँ वहां पर नहीं आता है यू कैन इजली डिवाइड लाइक दिस गेट द आंसर राइट इट डाउन यू टू से डिवाइड करने के बाद द आंसर थर्टी टू सिक्स कम्स तैन अगेन टू टू वन ज टू टू एट जिक्सटीन टू नाइन जै एटीन टू नाइन जटीन एंड देन यहाँ पर ये जो नाइन है ये टू से डिवाइड नहीं होगा अब तो हम क्या करेंगे यहाँ पर मैं अभी थ्री लूँगी बिकॉज थ्री से डिवाइड होते थ्री के टेबल में जाता है थ्री थ्री ज़ा नाइन एंड थ्री वन ज़ा थ्री इस तरीके से हमने इस टू जो दिए गए नंबर्स के फैक्टर्स ये सारे इनके फैक्टर्स हैं हमने निकाले अब कॉमन फैक्टर्स हम क्या करेंगे हम ये जो नंबर दिए गए हैं वी आर गोइंग टू राइट इट नंबर यहाँ पर और जितने भी जो ये फैक्टर्स हैं हम यहाँ पर उसके सामने प्लेस कर देंगे सेवेंटी टू की ये फैक्टर्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं ठीक है अब हम क्या करेंगे दिए गए फैक्टर्स में से जितने भी जो कॉमन फैक्टर्स हैं हम उसको क्या करेंगे एज अ कॉमनली मार्क करेंगे सो so मैंने यहाँ पर सर्कल मार्क किया है टू सिक्सटी फोर में ये टू एंड सेवनटी टू में दिस टू बोथ द टूज आर कॉमन मैंने एक बार किया सेकेंड टाइम अगेन आई हैव डन थर्ड टाइम किया अब यहाँ पर टू है बट यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर थ्री है जो यहाँ पर नहीं है तो so, यहाँ पर कोई कॉमन नहीं रहा है सो वट है नाव वट हैव गेट हाउ मेनी टाइम्स टू थ्री टाइम्स अब मैं क्या करूंगी इसके अलावा आगे और कोई कॉमन नहीं है एंड दैट्स वाई देयर फोर एच सी एफ ऑफ सिक्सटी फोर एंड सेवेंटी टू वट एम गोइंग टू राइट ईयर जो हमको कॉमन फैक्टर्स मिले हैं टू इंटू टू इंटू टू ओके टू इंटू टू इंटू टू हम एक ही बार लिखेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई ऑल द कॉमन फैक्टर्स वट वी गेट

यहाँ पर मैंने और एक नंबर लिया है 170, 425 एंड 510, 170, 425, हंड्रेड एंड हंड्रेड एंड टेन लेट स्टार्ट विद दिस वन हमको ये कॉमन फैक्टर्स डिवाइड करके करा तो मैंने यहाँ पर 17 इन टेन लिया है ठीक है सेवनटीन जी जैसे कि प्राइम नंबर है ये और कोई टेबल में नहीं पाया जाएगा इट विल बी योर एंड दिस टेन को हम स्प्लिट करेंगे बाय टू फाइव सा टेन अब इसके आगे और प्राइम फैक्टर्स प्राइम नंबर्स नहीं आएंगे दैट विल बी द लास्ट तो यहाँ पर यही इनके फैक्टर्स मिले हैं वन सेवन ठीक लेट्स टू द अनदर नंबर फोर ट्वेंटी फाइव ये कब जाएगा आई एम गोइंग टू हैव द फाइव बिकॉज फाइव ये लास्ट नंबर ये टू से डिवाइड नहीं होगा थ्री से नहीं होगा बट इट कैन इजिली गो द विदाइव टेबल और फाइव नंबर सो एम गोइंग to डिवाइड दिस 425 with 5 विथ here एंड got आई 85 fives are 425. फाइव आप इसको 5 से डिवाइड करके आपको जो भी आंसर आता है यहाँ पर लिख सकते हो फाइव एटी फाइव ज़ा ठीक है अब ये 5 एज इट इज़ नीचे कॉपी डाउन करोगे अब इनको हम स्प्लिट करेंगे फिर से आप 5 से डिवाइड करके देखिए आपको फाइव सेवनटीन ज़ा एटी फाइव मिलेगा सो इन दिस वे हमको फोर के फैक्टर्स भी फाइव फाइव मिले हैं जो कि प्राइम है लेट्स डू द नेक्स्ट वन फाइव टेन फाइव हंड्रेड एंड टेन अगर देखेंगे ये जो जीरो है मैं डायरेक्टली फिफ्टी वन टेंजा करती हूँ अब यहाँ पर दिस इज़ नॉट अ प्राइम नंबर तो ये कौन सी टेबल में होगा सो दैट्स डायरेक्टली डिवाइड बाई थ्री एंड आई गॉट द आंसर सेवनटीन मीन्स थ्री सेवनटीन ज फिफ्टी वन एंड टेन टू फाइव ज़ा टेन सो इन दिस वे फाइव टेन का फैक्टर भी हमको मिला है थ्री सेवनटीन टू फाइव इज इट ओके अब इनकी कॉमन फैक्टर्स नो नीड अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो या फिर यही पर मैं कर दूंगी ओके यहाँ पर सेवनटीन कॉमन है यहां पर फोर ट्वेंटी फाइव में भी सेवनटीन यहाँ पर भी सेवनटीन यहाँ पर टू है बट इन दिस यहाँ पर नहीं है टू बट यहां पर है बट मेक श्योर दैट कॉमन फैक्टर जब भी देखोगे तीनों नंबर में होना ही चाहिए अब यहाँ पर फाइव है यहां पर भी फाइव है यहां पर फाइव आई हैव डन द अंडरलाइन इसके आगे यहां पर है बट इन में से किसके पास नहीं होगा तो वहां पर कॉमन फैक्टर नहीं करना है वो नंबर्स जो तीनों में होंगे दैट विल बी द कॉमन फैक्टर एंड फॉर दैट व्हाट अब मैं क्या करूंगी दैट फॉर एच सी एफ इज इक्वल टू सेवनटीन और जो फाइव मिला है सेवनटीन इंटू फाइव मल्टीप्लाई करके यू विल गेट द आंसर इन दिस वे यूर टू फाइंड आउट द एच सी एफ इज इट ओके लेट्स डू द एल सी एम इट्स वेरी इजी टू डू अगेन एल सी एम ये तीन तरीके के होते हैं मल्टीपल्स LCM आउट through through करना it's very easy. जब भी मल्टीपल से फाइंड आउट करना आपको टेबल्स को याद रखना है एंड सपोज एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एट और ट्वेल्व लिया है एट का टेबल आपको इजिली पता है एट के जितने भी जो मल्टीपल्स है 8 वन जा एट एट टू जै सिक्सटी एट थ्री जै ट्वेंटी फोर एट फोर जर्टी टू एट फाइव ज फोर्टी एट सिक्स ज फोटी 8 एट सेवनजा फिफ्टी सिक्स एट एट सा सिक्सटी फोर एट एंड एट टेन सा इस तरीके से यू आर गोइंग टू राइट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ सिमिलरली यू आर गोइंग टू राइट द 12, 12, 24, 8, 12 थ्री जै थर्टी सिक्स ट्वेल्ल फोर जो फोर्टी एट इन दिस वे हम मैंने सारे ट्वेल्व के मल्टीपल्स या फिर आपका हो तो टेबल्स को लिख लिया है नाव वट यूर गोइंग टू डू इनमें से आपको भी कॉमन फैक्टर निकालना है अब एल का थोड़ा तरीका अलग है प्लीज स्टूडेंट्स डोंट बी कन्फ्यूज़ एच सी एफ और एल में डिफरेंस यही है जब भी हम लोग एल सी मल्टीपल्स से करते हैं तो आपको इसमें से क्या करना है टेबल्स लिखने के बाद सारे मल्टीपल्स लिखने के बाद हम कॉमन फैक्टर्स को ढूंढेंगे तो लेट्स फाइंड द कॉमन फैक्टर यहाँ पर इफ यू सी ये ट्वेल्व और यहाँ पर ट्वेल्व ये दोनों में 24, 24, sorry, not 12, 24 and 24 is common. And again, if you see 48 and 48 is common, 72 and 72 is common. So, I am going to write the common factor is 24, 48, 72. Fine. Now, can you please tell me? कॉमन फैक्टर्स जो दिए गए हमको ये तीन कॉमन फैक्टर्स मिले हैं इनमें से सबसे छोटा मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है दैट इज सबसे लीस्ट है ट्वेंटी फोर सो मल्टीपल्स अगर रज से हम फाइंड आउट करना हो प्लीज देंट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर कॉमन फैक्टर्स को फाइंड आउट करो उसमें से जो स्मॉल है जो लीस्ट है वो मल्टीपल आपको लिखना है फाइन नेक्स्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन अभी आपके लिए मैंने इस तरीके से आई जस्ट नॉट सॉल्व दिस वेरी बेस्ट थिंग टू फाइंड द एल सी एम आप प्राइम फैक्टराइजेशन और कॉमन डिविशन दोनों सेम कर सकते हैं वाइल डूइंग द एल सी एम लेट्स आई एम गोइंग टू टेक द नंबर यूर इफ यू सी यहाँ पर फिफ्टीन थर्टी फाइव आई एम गोइंग टू हैव वेरी सेम नंबर विच कैन इजली डिवाइड बाई ऑल दिस गिवन नंबर लाइक आई एम गोइंग टू हैव फाइव यूर

टू नहीं हो पाएगा यू आर गोइंग टू राइट एज इट इज फिर से आप करोगे टू वन जै टू एन टू वन सा टू ठीक है नाउ ध्यान रखिए एल सी एम जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो आप सभी फैक्टर्स देयर आर फोर एल सी एम यानी कि जो भी फैक्टर्स है फैक्टर्स ऑफ एल सी एम ओके दैट इज

2 5's are 10, 2 7's are 14, 15. So in this way I got the answer, 150. I was doing the calculation here and I got the answer. Fine. So this is our LCM. Similarly, same thing you are going to do with the common division. So factorization of LCM and common division both are same. So don't be very confused here. Fine. कॉमन डिविशन मैथड टू सॉल्व नाउ बिकॉज दोनों के मैथड सेम हैं फिर से हम एक बार से दो मिनट के लिए रिवाइज करते हैं एच सी एफ में हमने क्या पढ़ा था टू मैथड्स हैं प्राइम फैक्टराइजेशन एंड डिवाइड बाई कॉमन फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको सेपरेट करना है कॉमन फैक्टर्स दोनों लिखना है सभी जो नंबर्स मेंशन करके इनके जितने भी फैक्टर्स आपको सामने लेकर कॉमन निकालना है उनको सिर्फ कॉमन को ही मल्टीप्लाई करना है एक बार लिखकर. सिमिलरली द अदर वन कॉमन डिवाइडिंग बाय कॉमन फैक्टर्स में हमको इस तरीके से करना है ओके फैक्टर्स टेबल्स के थ्रू से आप करोगे और उसको स्प्लिट करते जाओ जब तक प्राइम नंबर्स नहीं आता है एंड देन इनके भी कॉमन नंबर सिर्फ एंड सिर्फ कॉमन नंबर्स लेना है वो मल्टीप्लाई करना है नेक्स्ट वन एल सी एम ये जो तीन मेथड्स है मल्टीपल्स प्राइम फैक्टराइजेशन इन कॉमन डिविशन इनमें आपको वेनेवर एल सी एम थ्रू मल्टीपल से करना हो तो टेबल्स लिखो कॉमन वाले मल्टीपल यू हैव टू फाइंड इट आउट ओके इट्स नॉट अ फैक्टर इट्स अ मल्टीपल सॉरी वेरी सॉरी कॉमन मल्टीपल्स आपको लिखना है एंड देन जितने भी कॉमन के बाद सबसे छोटा देर फोर उट द एल्सियम इन दिस वे वैल फाइंडिंग द एल्सियम थ्रू मल्टीपल्स एंडक्स्ट वन प्राइम फैक्ट्राइजेशन कॉमन डिविशन मेथड सेम यू आर गोइंग टू डू प्राइम फैक्टोराइजेशन इन दिस वे ओनली और एदर इफ आस्क इन कॉमन डिविजन इन अ कॉमन डिविशन ऑल टूगेदर ऑल द गि नंबर्स नाउ कैन फाइंड आउट लाइक टेकिंग द नंबर्स ट्राई टू गेट ऑल द फैक्टर्स इन दिस वे और सभी को मल्टीप्लाई करना है ये याद रखो एल में यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन कॉमन में सभी को मल्टीप्लाई कीजिए और एच में सिर्फ और सिर्फ कॉमन को करना है फाइन थैंक यू